स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौसम। वक्त हो गया है अपना एमपी का। शुरुआत कर रहे हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां रचना टावर में बड़ी लूट हुई है। दो बदमाशों ने बंदूक के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। शराब कारोबारी से 15 लाख की लूट की गई। करीब 3 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फ्लैट नंबर MI 108 में ये वारदात हुई है। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, रचना टावर में ये बड़ी लूट हुई है। दो बदमाशों ने बंदूक के दम पर एक शराब कारोबारी को लूटा है, उससे करीब 15 लाख की लूट की गई है और 3 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, ये जानकारी मिल रही है। फ्लैट नंबर MI 108 जहां ये वारदात। बड़ी खबर भोपाल के रचना टावर से, जहां लूट की एक बड़ी वारदात को दो बदमाशों ने अंजाम दिया है। बदमाशों के पास बंदूक थी और इसी हथियार के दम पर यह लूट की गई है। शराब कारोबारी से 15 लाख की लूट हुई है। करीब 3 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। सूचना देने के 3 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। देखिए किस तरह से यहां पर लूटा गया है शराब कारोबारी को। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। रचना टावर, व्यापारी के हाथ बंधे हुए, जो पीछे दूसरा जो बदमाश चल रहा है उसके हाथ में बंदूक है और इसी बंदूक के दम पर यह लूट की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कब हुई लूट की ये वारदात और जो जानकारी मिल रही है कि 3 घंटे बाद पहुंची है पुलिस, ये राजधानी का हाल है? देखिए बिल्कुल, भोपाल राजधानी में चौंकाने वाला मामला सामने आया। शराब कारोबारी जो रचना टावर में रहते हैं, करीब उनका 108 नंबर फ्लैट है, वहां पर ये चोरी की वारदात हुई है, लूट की वारदात हुई है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि ये आपसी विवाद की भी बात इसमें आ रही है। पुलिस इस मुद्दे पर भी जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका आपस का लेन देन का मामला हो। लेकिन जिस तरह से CCTV फुटेज सामने आए, जिस तरह से उन्होंने रिवाल्वर अड़ाई हुई है कारोबारी की पीठ पर, और जिस पूरा मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध लग रहा है, और लूट का कारोबारी का कहना है कि लूट हुई है, उसके साथ 15 लाख रुपए उसके घर में लूट ले गए। हालांकि अभी पूरा मामला जांच में है और ये बात भी आ रही है कि पुलिस करीब 3 घंटे बाद पहुंची, या जो फरियादी है उसने काफी देर बाद पुलिस को सूचना दी, तो पूरा मामला भी संदिग्ध है। लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से वो वीडियो CCTV फुटेज सामने आया, उसमें जो पीठ पर वो रिवॉल्वर लगाता हुआ दिख रहा है, दो युवक है। अब पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, लगातार पूरे संदिग्ध मामले की जांच की जा रही है कि कहीं इनका आपस का व्यापार का लेन देन का मामला तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से घर में दोनों घुसे हैं बदमाश, बताया जा रहा है कि वो जान पहचान वाले ही हैं और वो किसी लेन देन के मामले में गए थे। तो अभी सारे तथ्यों की जांच होना बाकी है, लेकिन पुलिस का जो महकमा है वो देर से पहुंचा ये भी। जी शैलेंद्र, धन्यवाद आपका इस जानकारी के। लेकिन आप बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे बातचीत करेंगे। तो शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे किस तरह से यहां पर लूट की वारदात के बाद अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। वहीं अब बात करते हैं देश से कैसी दुश्मनी इस सवाल पर। जी हां, इंदौर में प्रोटेस्ट हुआ कांग्रेस का और इस प्रोटेस्ट के दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा का बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने मंच से कहा कि जैसे बांग्लादेश में सरकार की गलत नीतियों के चलते जनता पीएम और राष्ट्रपति आवास में घुस गई और कब्जा कर लिया, ठीक उसी तरह भारत में भी हालात हुए। उन्होंने कहा कि नाराज जनता पहले श्रीलंका में प्रधानमंत्री निवास में घुसी, फिर बांग्लादेश में यही हुआ और अब अगला नंबर भारत का है। तो सियासी तनातनी अपनी जगह है, लेकिन इस तरह का बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं सज्जन सिंह वर्मा? ये बेतुका बयान ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार अपने बयानों से सुर्खियां बनाते रहते हैं सज्जन सिंह वर्मा।
बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जीतते सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है बांग्लादेश की सरकार। भारत में बांग्लादेश जैसे हालात होने के कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया है पलटवार। खुशी दो, किस भाषा बोलना चाहते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस जमात इस्लाम की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का घर दिलाने की बात करेंगे? अरे कांग्रेस के नेताओं, भारत का संविधान दिखाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा है वो पढ़ो। लोकतांत्रिक परंपरा में जीता है भारत, भरोसा करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा था, 19 महीने तक लोगों को जेल में डाला था, पकड़ पकड़ कर लोगों को घरों से खींच खींच कर जेल में ले गए, नसबंदी करी, कठोर से कठोर सजाएं दी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो भी किसी भी नेता और कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री का घर दिलाएंगे। हम प्रधानमंत्री, ये भारत के 140 करोड़ की आस्था भरोसा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दायित्व का पद है। भारत में बांग्लादेश जैसे हालात होने के कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया है। कांग्रेस सिर्फ देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करने का बात करती है, लोगों को तोड़ने की बात करती है, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जोड़ने की बात करते हैं और उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस देश में अराजकता चाहती है, मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो देश जोड़ने के लिए काम करते हैं, ये कहना है बीजेपी नेताओं का। अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, सज्जन सिंह वर्मा विरोध करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल गए। देखिए, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हमेशा कहीं ना कहीं विवादित बयान देते आए हैं और उनके बयान हमेशा कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाते हैं। आज फिर यही हुआ कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देश को में भी अराजकता की बात कही और ये तक कह दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी के घर तक भी घुस सकते हैं उपद्रवी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरा बीजेपी में विरोध में है, आम पब्लिक भी रिएक्ट कर रही है, सोशल मीडिया पर भी सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबल रहा है, क्योंकि जो भारत की तासीर है, भारत में कभी इस तरह की ना संभावना है ना बात आती। पूर्व विधायक रामेश्वर शर्मा ने या वर्तमान विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस पूर्व मंत्री के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमात इस्लामी की भाषा बोल रही, अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है गुलरेश शेख जी और कांग्रेस के प्रवक्ता है भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र जी, सज्जन सिंह वर्मा का यह बयान क्या कांग्रेस का बयान है? भूपेंद्र जी से शायद संपर्क टूट गया है। गुलरेश शेख जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, मुझे आवाज आ रही है। जी गुलरेश शेख जी, आपका रिएक्शन जो ये सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब तीसरा नंबर भारत का है जब जनता पीएम आवास में घुस जाएगी? देखिए, बड़ा आपत्तिजनक बयान है, देश विरोधी बयान है, देश में अराजकता फैलाने वाला बयान है, देश की तो देश के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा वाला बयान है। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस के दफ्तरों में इस प्रकार की बैठकें होती हैं कि किस प्रकार से देश में अराजकता फैलाई जाए, किस प्रकार से देश के हर वर्ग को इस तरह से उत्तेजित किया जाए कि देश में माहौल खराब हो, आगजनी हो, लूटपाट हो,
हत्याएं हो, और यही संभवतः कांग्रेस आज भी कर रही है। सज्जन सिंह वर्मा के मुंह से बातें बाहर खुलकर आ चुकी हैं। मैं तो देश की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी ये निवेदन करता हूं कि इस बंदे के ऊपर रासू का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर इसको अंदर किया जाए। जी भूपेंद्र गुप्ता जी एक बार फिर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है सर मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। जी भूपेंद्र जी, सज्जन सिंह वर्मा का जो ये बयान सामने आया है कांग्रेस के प्रोटेस्ट के दौरान कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद भारत में भी वो नंबर वो दिन दूर नहीं जब पीएम आवास में जनता घुस जाएगी। देखिए जो देश में परिस्थितियां हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि श्रीलंका में जो स्थिति हुई, आज बांग्लादेश में कोई स्थिति हुई है, तो हमारे जो है जो सुरक्षा सलाहकार हैं देश के सर्वोत्कृष्ट, वो क्यों गए थे एयरपोर्ट पर रिसीव करने? इसलिए कि उन्हें भी जो है चिंता है कि देश की जो है देश के पर प्रभाव पड़ सकता है। क्या ये अकेली जिम्मेवारी राज्य सत्ता की है कि वो जो है देश की सुरक्षा के लिए चिंता करे? क्या विपक्ष का भारत नहीं है, वो चिंता नहीं कर सकता कि देश में सुरक्षा के वातावरण को मजबूत करने के लिए सरकार को आगाह किया जाए? इसके लिए अराजकता फैल गई। और भारतीय जनता पार्टी के ये लोग किस मुंह से अराजकता की बात करते हैं, जिन्होंने पटना की रैली में इंदिरा गांधी के खिलाफ खुले भाषण दिए थे कि जो है सेना बगावत कर दे, पुलिस जो है बंदूक उठा ले प्रधानमंत्री के खिलाफ। ये इनके भाषण है, रिकॉर्डेड भाषण है। ये हमें सिखाएंगे कि कैसी बात करनी चाहिए, कैसी नहीं करना चाहिए? जिन लोगों ने अराजकता फैलाई इस देश में, जिन लोगों ने अराजकता के भाषण दिए, बयान दिए, और उसके कारण आपातकाल लगाना पड़ा, ये जिस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात कर रहे हैं, इनके लोग उसी में तो बंद हुए थे। ये इनको मालूम ही नहीं अपना इतिहास। और आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पड़ोस में कोई भी हलचल होती है तो हमारे देश पर उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत से शरणार्थी घुसते हैं, बहुत से लोग वहां से जान बचाकर आएंगे। इन सब पर नजर नहीं रखनी चाहिए हमें? हमारे देश की परिस्थिति के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए? उसके लिए ये मूर्खतापूर्ण बात की जाएगी जिनको समझ नहीं है कि साहब अराजकता फैला रहे हैं? ये अराजकता नहीं फैला रहे हैं, हम देश के लिए चिंता कर रहे हैं। हमें भी जो है हमारा देश है, विपक्ष को भी चिंता करने का अधिकार है, आप ये कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, गुलरेश शेख जी और भूपेंद्र जी आप दोनों का ही धन्यवाद बातचीत के लिए। शैलेंद्र आपका भी धन्यवाद। और यहां पर कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस बतौर विपक्ष चिंता कर रही है देश के लिए, सज्जन सिंह वर्मा का बयान तो कुछ और ही कहता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। बढ़ते आगे बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने करोड़ों भारतवासियों का दिल तोड़ कर रख दिया। जी हां, विनेश फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया। इस पर पीएम ने पोस्ट किया है और लिखा है कि विनेश आप भारत का गर्व हो, आज जो झटका लगा उससे दुख हो रहा है, मेरे शब्द शायद ही दुख को बयां कर सके। तो प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट किया है और विनेश फोगाट को लेकर लिखा है कि आप भारत का गर्व हो। तो 100 ग्राम के आसपास वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट को फाइनल के मुकाबले से पहले डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। और अब ऐसे में जब भारतवासियों की उम्मीदों को झटका लगा है, लेकिन विनेश फोगाट को लेकर हर भारतवासी के मन की पुकार, मन की बात यही है कि विनेश भारत का गर्व आप हमेशा से थी, हमेशा से हमेशा ही रहोगी। और इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने भी किया, लिखा कि आप भारत का गर्व हो, आज जो झटका लगा है उससे दुख हो रहा है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री का ये पोस्ट कि विनेश आप भारत का गर्व हो, आज जो झटका लगा उससे दुख हो रहा है, मेरे शब्द शायद ही दुख को बयां कर सके। आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। वही विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट का क्या कहना है आप भी सुनिए। आपको क्या कारण दिया गया है, पर्टिकुलर कारण विनेश को डिस्क्वालिफाई करने का? जो सुबह वजन हुआ था उसका जो 150 ग्राम वजन फालतू ज्यादा रह गया है, इसका नंबर डिस्क्वालिफाई होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या इंडियन साइड ने अपनी तरफ से जो कोचेस थे उन्होंने कुछ कोशिश की, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूल्स के हिसाब से तो ये हो गई, रूल के हिसाब से। इसमें सही गलत की बात नहीं रहती है मैं समझता हूँ, क्योंकि रूल्स का इसके अंदर पूरा हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल रूल का हवाला। अभी मैं जानता हूँ कि आपके लिए बड़ा मुश्किल क्षण है ये, क्योंकि उस गोल्ड पदक तक इतने नजदीक पहुंच के डिस्क्वालीफाई होना एक बहुत बड़ा झटका है। आपकी आंखों में आंसू ऑलरेडी, आप ऑलरेडी इतने परेशान नजर आ रहे हैं,
अब क्या आगे के लिए क्या रहेगा रणनीति? बस आगे लिए जो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे, 28 के ओलंपिक की तैयारी करेंगे। अच्छा, आप विनेश से अभी हालांकि चंद मिनट हुए इस खबर को आए, क्या विनेश से बात हो पाई है या किसी से उस खेमे में बात हो पाई है, क्योंकि आप बता रहे थे आपके भतीजे भी गए हैं वहाँ पे? ना, जो बेटी संगीता है बजरंग, उसे उसे समर्थन मिला था। अच्छा, तो उन्होंने, बजरंग ने और संगीता ने कुछ बताया है आपको कि अभी क्या क्या उनका मानसिक स्थिति है विनेश की, क्या वो अभी किस तरीके से इस खबर से कोप कर रही है? दो गोल्ड मेडल के नजदीक और ये घटना घट जाती है तो कोई भी ले क्या बीतती उसके अंदर। लेकिन सिल्वर से क्या संतुष्टि, अब तो इस बार सिल्वर से ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी, ये समझ आ रहा है? नहीं, कोई मेडल नहीं, कोई मेडल नहीं जी। वहीं बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का भी इस पर बयान आया है। रेसलिंग में डिस्क्वालीफाइड का वेट ओवर हो गया, इसलिए डिस्क्वालीफाइड रेसलिंग का। इट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड बड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो कितना मतलब कितना महत्व है अपना वेट को, वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे जरा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को सबको, कि 100 ग्राम और से मैटर्स अ लॉट। वी फील वेरी सैड फॉर हर, आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली, लेकिन मिलेगा नहीं अभी। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में बीएससी के छात्र का कार से आए 5 बदमाशों ने अपहरण कर लिया और 2 घंटे तक कार में मारपीट करते रहे। पीड़ित छात्र पैदल मोबाइल पर बात करते हुए कॉलोनी की सड़क से गुजर रहा था, तभी पीछे से आए बदमाशों ने उसका मुंह दबाया और उसे कार में जबरदस्ती बैठा लिया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की पहचान कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। देखिए किस तरह से ये सरे रहा, छात्र को जबरदस्ती कार में बैठाते हुए आप बदमाशों को देख सकते हैं। इसी कार में सवार थे बदमाश, छात्र निकल रहा है, पीछे से आते हैं और उसको मुंह दबाकर उसको जबरदस्ती ये दो लोग गाड़ी में बैठाते हैं और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी करते हैं। तो इंदौर देखिए किस तरह से पीछे से अचानक से लपकते हैं उसे, पीछे से आकर छात्र मोबाइल पे बात कर रहा हो, वहां से आराम से गुजर रहा होता है, उसका मुंह दबाते हैं और फिर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाते हैं। ये पूरा वाक्या, ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, इंदौर का हाल है जहां पर इस तरह सड़क पर खुलेआम बदमाश आते हैं, युवक का मुंह दबाते हैं, उसे गाड़ी में बैठाते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं वहां से, हो क्या रहा है इंदौर में? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि ये इंदौर का हाल है जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश का वो शहर है जहाँ पे पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, जहाँ पर अलग अलग जोन के लिए 4 डीसीपी बैठते हैं, क्राइम के लिए अलग डीसीपी बैठते हैं, तमाम बड़े अधिकारी इंदौर में रहते हैं और जो मध्य प्रदेश के सबसे बेहतर अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति इंदौर में की जाती है। ये उसी इंदौर का हाल है कि इंदौर में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, बदमाश बेखौफ होकर पहले मारपीट करते हैं, थाने पहुंचते हैं और बेसबॉल के डंडे के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अब एक तस्वीर और सामने आई है जो द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का, जहां पर खुलेआम कार से बदमाश उतरते हैं, चेहरा बांधा हुआ उन्होंने, नकाबपोश हैं ये, और उसके बाद कार के अंदर बैठाकर बेरहमी से 2 घंटे मारपीट करते हैं और कार्रवाई भी सिर्फ नाम मात्र की जाती है, क्योंकि जो भी लोग इसमें आरोपी हैं उनका राजनीतिक दबाव यानी राजनीतिक संरक्षण वो काफ़ी ज़्यादा है। इंदौर में इस वक्त हत्या है, इंदौर में इस वक्त तमाम जो बड़े अपराध है वो नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मिथिलेश बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
वहीं भिंड की अब बात करते हैं, जहां दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बदमाशों ने युवक के घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई की। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में मारपीट की गई। युवक दबंगों से जान बचाने के लिए पड़ोसी के घर में छिप गया, लेकिन बदमाश पड़ोसी के घर में भी घुसकर युवक को बेरहमी से पीटते रहे, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को पड़ोसी ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबलपुर में बीजेपी पार्षद पति के गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। मामूली बात पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक को घसीट घसीट कर पीटा गया। इस दौरान युवक के पिता रहम की दुहाई मांगते रहे, तो वहीं बीजेपी पार्षद पति और उसके गुर्गे पिटाई करते रहे। आरोप है कि जब पीड़ित थाने में शिकायत के लिए पहुंचा तो पुलिस ने FIR नहीं लिखी। आरोपी हनुमान ताल के संत रविदास नगर के पार्षद का पति है। बताया जा रहा है कि सड़क पर फैली निर्माण सामग्री में पैर लगने से बीजेपी पार्षद का पति बिफर गया। उसने अपने 4-5 गुर्गों के साथ मिलकर पीड़ित अमन चौधरी की पिटाई कर दी। मारपीट में अमन गंभीर रूप से घायल हो गया है। अमन का आरोप है कि बीजेपी पार्षद माधुरी सोनकर के पति राजेश सोनकर ने शिकायत करने पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी है।